यार दोस्तों इंटरनेट तो हम सारे लोग यूज करते हैं, यार ऐसे में अगर बात निकल के आ जाए डेटा की सिक्योरिटी की तो ये सबसे बड़ा कंसर्न बन जाता है हमारी लाइफ के अंदर। तो यार आज की वीडियो आखिर तक देखती रही है, मैं आपसे आज बात करूंगा डेटा सिक्योरिटी के बारे में और दोस्तों जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने डेटा की सिक्योरिटी का ध्यान रख सकते हैं हमारे इस इंटरनेट ऑनलाइन दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। डेटा की तो क्योंकि डेटा आज के टाइम पे जो है वो बहुत ही ज्यादा जनरेट होता जा रहा है और ऐसे में यार उसकी सिक्योरिटी का ध्यान जो है वो कंप्लीटली रखना जरूरी है। अब यार देखो मैं अगर आपसे बात करता हूँ आज से 20 या फिर 40 साल पहले की, तो दोस्तों उसके अंदर जो है हम लोग का डेटा इतना ज्यादा नहीं था और था भी वो स्ट्रक्चर फॉर्म में। मतलब ये कि आज के टाइम पे हमारे पास जो डेटा है वो होता है कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे पहले के टाइम की, तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत ही कम डेटा होता था और होता था एकदम स्ट्रक्चर फॉर्म में। और यार उस टाइम पे जो लूप होल्स या डेटा ब्रीचेस थे वो भी हमें देखने को नहीं मिलते थे क्योंकि टेक्नोलॉजी जो थी उस टाइम पे इतनी एडवांस नहीं थी। और ऐसे में यार डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलती थी। अब यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ सबसे पहले बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर उनके जो है वो आपके डेटाबेसेस होते हैं बड़े बड़े और काफी ज्यादा हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम्स को उनके अंदर लिया जाता है काम में ताकि कोई भी ऐसा ब्रीच ना हो जिससे उनका डेटा जो है वो मार्केट के अंदर लीक हो जाए। अब यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना गूगल की या फिर एप्पल वगैरह की, तो दोस्तों ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना ये अपने डेटाबेसिस के अंदर जो है बेसिकली वो सारे डेटा को एकदम सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो स्टोर करवा के रखती है ताकि कोई भी हैकर जो है अपने काम को अंजाम ना दे सके, यानी कि कोई भी हैकर जो है वो उस चीज को या फिर उस डेटाबेस के अंदर कोई भी डेटा ब्रीच को देख के उसके ऊपर अटैक ना कर सके। अब यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूँ सबसे पहले इंटरनेट की, तो क्योंकि इंटरनेट ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू जो है हम लोग डेटा डे बाय डे बहुत ही ज्यादा जनरेट करते हैं और यार ऐसे में बहुत सारे यूजर जो है वो इंटरनेट को यूज करते हैं, पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट को यूज करती है और ऐसे में यार डेफिनेटली जब यूज होगी इतनी सारी डिवाइसेस और इतनी सारी डिवाइसेस जो है जो इंटरनेट को कंज्यूम करेगी तो डेफिनेटली डेटा तो जनरेट होगा। अब यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूं डेटा का इंपैक्ट बिजनेसेस के ऊपर, तो यार वो तो स्कोप काफी ज्यादा बड़ा है और वीडियोस के अंदर मैं उसके बारे में बात भी कर चुका हूं। अब इसके अंदर अगर बात करता हूं आपसे एआई की, तो क्योंकि एआई के अंदर हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को देखते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगा के और यार डेटा के अंदर जो है अलग अलग तरीके से हम लोग इंसाइट्स निकाल के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो डेटा की मतलब पॉसिबिलिटीज है ना वो एंडलेस है। मतलब आप डेटा को हर फील्ड के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो काम में ले सकते हो और यार ऐसे में डेटा जो है वो जितना ज्यादा होगा और जितना अच्छा होगा तो उतने ही अच्छे जो है वो आपको इनसाइट्स देखने को मिलेंगे। अब यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूं ना सबसे पहले यूजर्स की, तो क्योंकि हमारे पास एक सिंगल डिवाइस भी होता है तो वो भी एक सेकंड के अंदर 1 या फिर 2 MB जो डेटा है वो जनरेट करता है, तो ऐसे में आप यहां से लगा लो एक एस्टिमेट कि पूरी दुनिया जो है वो यूज करती है इंटरनेट को। अब एक सेकंड के अंदर अगर 2 या फिर 3 MB जो है डेटा जनरेट हो रहा है तो ऐसे में कितनी सारी डिवाइसेस हैं पूरी दुनिया में और ऐसे में कितना सारा डेटा जो है वो जनरेट होता होगा। अब यार दोस्तों ऐसे में इसकी सिक्योरिटी जो है ना एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाती है क्योंकि डेटा की सिक्योरिटी हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हम जो है वो ऑनलाइन अपनी लाइफ को बिताते हैं कि आजकल जो हम लोग इंटरेक्ट करते हैं ज्यादातर ऑनलाइन अपने डिवाइसेस के साथ में और रहते हैं ज्यादातर डाटा टाइम ऑनलाइन ताकि हम लोग जो है अपने जो डेटा बेसिकली उसके साथ प्रॉपर्ली काम कर सकें। तो अब ऐसे में होता है ऑनलाइन तो क्योंकि हमें ये पता नहीं है क्योंकि हमें नॉर्मल यूजर और ऐसे में यार अगर हमें ये मालूम नहीं है कि किस तरीके से हम अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं ऑनलाइन, तो यार डेफिनेटली हमारा जो डेटा है या फिर हमारे जो प्राइवेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक होने का चांस बन जाता है। तो इसी चीज से हम लोग बचने के लिए लेते हैं डेटा सिक्योरिटीज को काम में और अलग अलग हाईटेक इंक्रिप्शन को लेते हैं काम में अपने डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर ताकि हमारे जो सिस्टम्स हो वो हो एकदम हाईटेक और कोई भी हैकर जो है वो उसको इतनी आसानी से ब्रेक ना कर पाए। तो दोस्तों डेटा जो है ना वो आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह डेटा को जो है वो हर फील्ड के अंदर काम में लिया जा रहा है। अब ऐसे में डेटा के साथ साथ उसकी सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो भी बड़ा निकल जाता है क्योंकि डेटा जो है उसके साथ उसकी सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। मान लो कि अगर आप जाते हो किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास में, तो आप उसकी सर्विस एक शर्त पे ले सकते हो कि आप उससे पूछोगे कि भाई आपकी जो सिक्योरिटी लेवल्स हैं वो कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं, क्योंकि आप अपने क्रेडेंशियल्स या फिर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके पास में रखवा रहे हो, तो ऐसे में आपका आप डिजर्व करते हो कि आप जो है उसको पूछो कि भाई आपका जो डेटा या फिर आपके जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो कैसे हैं ताकि मैं अपना अगर मुझे सही लगा तो मैं आपकी सर्विस जो है वो अपने साथ में कैटर कर लूंगा वरना फिर जो है सर्विस आपकी छोड़ दूंगा। तो दोस्तों
ये जो प्लेटफॉर्म है ना, मैं आपसे बात करता हूँ गूगल की या फिर AWS की या फिर माइक्रोसॉफ्ट Azure की, ये काफी ज्यादा अच्छे और काफी ज्यादा लीडिंग प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपके सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं कंप्लीट तरीके से। और ऐसे में इनके क्लाउड के अंदर अगर आप डेटा करते हैं स्टोर, तो इनकी जो बेसिकली क्लाउड की सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। तो दोस्तों क्लाउड सिक्योर जो आपकी बेसिकली डेटाबेसिस है जो आपकी कंपनीज यूज करती है आपके जो लॉग्स हैं उसको स्टोर करने के लिए, फिर परफॉर्मेंस मेट्रिक्स उसको स्टोर करने के लिए। तो ऐसे में क्योंकि आप ये समझो कि उस कंपनी की जो बेसिकली इनसाइट्स या फिर उन कंपनी के सीक्रेट्स हैं ना, वो उस डेटाबेस के अंदर है। अब वो डेटाबेसिस को बाद में कंपनीज जो है वो देती हैं, डेटा को निकालती हैं, डेटा को एनालाइज करती हैं, उसके ऊपर अलग अलग काम करती हैं और उसको फाइनली जो है अपने उनके जो आइडियाज हैं या फिर उनकी जो इनसाइट्स निकली हैं यूजफुल, उसको इम्प्लीमेंट करती है अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूँ डेटा सिक्योरिटी की, तो क्योंकि डेटा तो है आजकल हमारे साथ में बहुत ही ज़्यादा, और यार डेटा को हम लोग अलग अलग फील्ड्स के अंदर या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर यूज़ करते हो, एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं डेटा को यूज़ करने की, और ऐसे में अगर आपकी सिक्योरिटी भी साथ आ जाए डेटा के, तो लग जाते हैं एकदम चार चांद और आपका डेटा जो है वो एकदम हो जाता है सिक्योर। तो यार यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी डेटा सिक्योरिटी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा डेटा सिक्योरिटी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, स्टे ब्लेस्ड स्टे इंस्पायर्ड।